महाराष्ट्र के अमरावती जिले में लव जिहाद मामले का खुलासा हुआ है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने जिस लड़की के किडनैप किए जाने का आरोप लगाकर उसे लव जिहाद बताया था, उसी लड़की ने खुद ही पूरी कहानी बताई है। लड़की के किडनैप किए जाने वाली बात पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने सोनापेट पुलिस स्टेशन में जाकर अधिकारी मनीष ठाकरे से कहा कि पुलिस इस मामले को दबा रही है। वह मामला अब झूठा साबित हो चुका है। कुछ घंटों के लगातार प्रयास किए जाने के बाद बुधवार को उस लड़की को सातारा रेलवे पुलिस ढूंढने में कामयाब हो गई है। लड़की को खोजने के बाद जब पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो नवनीत राणा द्वारा लगाए गए सभी इल्जाम झूठे साबित हो गए हैं। बता दें कि मंगलवार को अमरावती के राजापेट पुलिस स्टेशन के सीमा क्षेत्र में यह लड़की लापता हो गई थी। लड़की के लापता होने के बाद उसके पिता ने पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू करी थी। पुलिस जब तक लड़की की तलाश कर पाती उससे पहले ही नवनीत राणा ने पहले फोन कर फिर थाने पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई के बारे में निर्देश देने लगी। नवनीत राणा ने यह कहकर जोर देती रही कि वह लव जिहाद का मामला है। नवनीत राणा ने दावा किया था कि 19 साल की लड़की को जबरन भगा कर ले जाया गया है। पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है। जब नवनीत राणा ने पुलिस अधिकारियों को फोन कर सवाल किया और संबंधित युवक पर एक्शन लेने की मांग की तो पुलिस कार्रवाई करने की जगह उनका फोन रिकॉर्ड कर रही थी, जिसके बाद नवनीत राणा ने सवाल किया कि पुलिस अधिकारी को किसने ये अधिकार दिया है कि वो एक लोक प्रतिनिधि का फोन रिकॉर्ड करे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस युवक पर उन्हें भागने का आरोप लगाया था पुलिस उस युवक पर बड़ी कार्रवाई करे। इस वारदात के बाद पुलिस जानकारी जुटाने में लग गई। पुलिस के अथक प्रयास के बाद लड़की की जानकारी जुटाई तो सतारा पुलिस के सहयोग से वह कब्जे में लेकर वापस आई है। वापस आने के बाद गुमशुदा हुई लड़की से राजापेट पुलिस थाने में आई और पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों पर लड़की ने सांसद के बयान को झूठा करार दिया है। लड़की ने बयान दिया है कि वह अपने घर वालों के आपसी विवाद से तंग आकर अकेले ही घर से निकल गई थी। साथ ही कहा है कि इस मामले को लव जिहाद जैसी घटना का नाम देकर मेरी बदनामी ना करें। लड़की ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि मुझे कोई भी बहला फुसला कर नहीं ले गया था। सांसद लव जिहाद का नाम पर मेरी बदनामी कर रही है। मामले में लड़की के बयान के बाद स्थानीय भाजपा नेता और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा औंधे मुंह गिरते दिखाई दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।